IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of like maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Good morning. Salam. Namaste. Naye hafte ki shuruaat IPL ki khabron ke saath aur आज आईपीएल की खबरों में हम बात करेंगे आईपीएल फाइल्स के बारे में, क्योंकि इन दिनों हिंदुस्तान में कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत होती है। तो आज हम थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, कश्मीर फाइल्स की जगह हम आईपीएल फाइल्स पे बात करेंगे और पहले तीन पन्ने यानी कि पहले जो तीन मैच खेले गए उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल आईपीएल सीजन 15 की शुरुआत सुपर सैटरडे को हुई और उसके बाद सुपर संडे को दो मुकाबले खेले गए और तीनों ही मुकाबलों में शानदार रन चेज देखने को मिला, इस पर बातचीत भी करेंगे आगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मेरे साथ दो खास मेहमान, सभा भाई मेरे साथ और अयाज सर हमारे साथ हैं। और अयाज सर क्योंकि मुंबई में है और मुंबई में ही आईपीएल खेला जा रहा है, तो आईपीएल के जो फाइल्स में हम बात कर रहे हैं यानी आईपीएल फाइल्स, नाम तो अच्छा लग रहा होगा अयाज सर। बेशक राजीव, मुझे लगता है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है इस सीजन की आईपीएल 15 की, बता रहा है कि शायद आगे चलते हुए जो भी है दो महीने का जो टूर्नामेंट है उसमें बहुत से एक्साइटिंग मैचेस होंगे और उलट फेर रिजल्ट्स भी आएंगे, क्योंकि तीनों मैचेस अगर आप देखें तो जो फेवरेट टीम थी वो हार गई है। खास करके दो मैचेस जो संडे को हुए उसमें बहुत तगड़े रन चेज थे और देखने का भी लुत्फ आया, मजा आया। और ये बताता है कि टैक्टिक्स भी बदल रही है, इवॉल्व हो रही है और जो प्लेयर्स जो आए हैं अलग अलग टीम में, अब मेगा ऑक्शन के बाद जो दूसरी टीम में गए वो सब जो है उनकी कोशिश देखिए आप कितनी स्ट्रांग है कि वो एक इम्पैक्ट बनाए। बिल्कुल, और सभा भाई जो हम आईपीएल फाइल्स की बात कर रहे हैं और तीनों पन्नों की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा पन्ना तो आपको दिल्ली कैपिटल्स का ही लग रहा होगा, जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने एक हारा हुआ मैच हम कह सकते हैं जीता है, क्योंकि हम सब मैं तो चाय पीने चला गया था ऑफिस में, नीचे गया चलो दिल्ली हार गई और उसके बाद ललित यादव और अक्षर पटेल ने चमत्कार किया। ये हर्ष जैन है हमारे व्यूवर, वो आपको बधाई भी दे रहे हैं कि सभा सर को ढेर सारी बधाइयां, पहला मैच जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। थैंक यू सो मच हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो आप राजीव, ये बीच बीच में चाय पीने की आदत तो है ना, इसको आप खत्म कर दीजिए, विशेष करके जब दिल्ली कैपिटल्स खेल रहा है तो। देखिए कई सारी नई चीजें हुई हैं दिल्ली कैपिटल्स में, ये मुझे लगता है कि इस सीजन में पहली बार है कि एक आईपीएल टीम सिर्फ दो ओवरसीज प्रोफेशनल के साथ मैदान में उतरी, के विकल्प थे नहीं हमारे पास। आनरिक नौके इंजर्ड है, उनको हम खिला नहीं सके। मिच मार्श, डेविड वार्नर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, मुस्तफिजुर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी हम लोगों ने ओवरसीज प्रोफेशनल खरीदे थे इस बार उनमें से सिर्फ दो ही प्लेयर्स अवेलेबल थे जिनको खिलाया गया, टिम साइफर्ट और रोमन पॉवल को। और उसके बावजूद एक तरह से अंत में मैच जीतना, वो भी दो खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, ये दर्शाता है कि अगर आपके बल्लेबाजी में गहराई है जिसकी तलाश थी हमें, और इसी वजह से इस बार शार्दुल ठाकुर को लिया हम लोगों ने ताकि थोड़ी बहुत गहराई जो है बल्लेबाजी में और बढ़ जाती है। पिछले बार कई मुकाबलों में ये देखने को मिला था कि वो गहराई नहीं थी, इसी वजह से हम संघर्ष कर रहे थे। वहां पर आकर शार्दुल ठाकुर ने 22 रन बनाए 11 गेंदों में और उसके बाद जिस तरह से अक्षर पटेल और ललित यादव ने मैच फिनिश किया, ये दर्शा रहा है कि अगर आप प्लेयर को बैक करेंगे, अगर आप यंग डोमेस्टिक टैलेंट को बैक करेंगे, उनको आप सही एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जरूर आने वाले समय में रिजल्ट्स देगा आपको टीम को। यही हुआ है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। आया सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह का स्टार्ट हुआ आईपीएल में, बारी बारी से आएंगे, पहले सैटरडे के मैच की बात कर लें। जिस तरह से धोनी, विंटेज धोनी हमें नजर आया कप्तानी छोड़ने के बाद, वो बहुत कमाल था, हालांकि बहुत शानदार रन चेस किया उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह की इनिशियली स्टार्ट हुआ, एक ट्रेंड जो मुझे हमेशा खटकता है यार सर, टॉस जीतो, गेंदबाजी करो और मैच जीतो, तीनों मैच में ये देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए T20 में अगर आप इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? नहीं तो फिर ये तो मतलब एक तरह से कहा जाए हर किसी को पता होगा कि टॉस आप जीत गए तो आधा मैच जीत गए। हाँ, ये मेरे ख्याल से एक एक, एक इशू है, क्योंकि अगर आपके सामने और अक्सर देखा जाता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास करके अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप रन चेस करना चाहते हैं क्योंकि टारगेट आपके सामने है और प्लानिंग आपकी बेटर हो सकती है। अब इस पे काफी डिपेंड करता है किस तरह की पिचेस भी मिलती है, अगर मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में पिचेस एक तरह के ही हो गए तो फॉर्मूला जो है सब कैप्टन यही अपनाएंगे और उसमें से अगर ऐसा रहा तो शायद थोड़ी सी दिलचस्पी हट जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा वेरिएशन आए, कभी आप सेट करते हैं टारगेट, कभी चेस करते हैं, इसमें कोई कैप्टन की गलती नहीं है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा इवन प्लेइंग फील्ड हो जाता है
तो मैचेस में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन बहुत अर्ली, बहुत अभी तीन ही मैचेस हुए हैं और आगे चल के देखना होगा, क्योंकि प्लेयर्स और कैप्टन भी जो है वो अपने टैक्टिक्स रिवाइज करेंगे। अगर सब जानते हैं कि टॉस का इतना फायदा होता है तो फिर आपको कोई नई तरकीब निकालनी होगी उसको नलीफाई करने के लिए। तो आगे चलते हुए देखते हैं क्या किस तरह से तरकीब है सर के, शोले वाला सिक्का ले आए आप। ये तो है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफी, और अच्छी बात तो ये है कि जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स जो चुने गए थे, ओडियन स्मिथ, शाहरुख खान वगैरह, उन्होंने इमीडिएटली एक इम्पैक्ट बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी की आपने बात की है, विंटेज महेंद्र सिंह धोनी नजर आए, लेकिन उसमें सीएसके में इतना दम नहीं था कि वो केकेआर की रन चेज को रोक सके। और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक चुनौती है नए कैप्टन रविंद्र जडेजा के लिए, क्योंकि वो ट्रंप कार्ड है उनके बॉलिंग अटैक के। और उस मैच में कहीं ऐसे लगा कि शायद बॉलिंग चेंजेस शायद वो बेटर कर सकते थे या खुद पहले आ सकते थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है वो सबसे सफल बॉलर है उनके। तो ये एक अच्छा एक उनके लिए भी एक टेस्ट था, और आगे चलते हुए देखते हैं किस तरह से सीएसके निकलती है इस टूर्नामेंट में। सवा भाई, आप कैसे देखते हैं तीनों मुकाबले जो हुए आईपीएल सीजन 15 के? टॉस जीता, गेंदबाजी की और मैच जीत लिया। थोड़ा सा खटकता है आपको बीइंग, क्योंकि आप बीसीसीआई की टीम में भी रहे हैं और अब एक्स क्रिकेटर भी हैं, कुछ चेंजेस आपको लग रहा होने चाहिए? मसलन टॉस को लेकर T20 में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। देखिए, इसके बारे में तो चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा से बात होती रहती है कि जब भी ड्यू पड़ता है उस समय भी हर एक टीम यही प्रेफर करती है 50 ओवर्स में भी कि वो पहले टॉस जीतने के बाद वो पहले गेंदबाजी करे ताकि ड्यू का असर ना पड़े। और इस बारे में चर्चा हो चुकी है, पर अभी तो कुछ ऐसा विकल्प सामने आया नहीं है। पर मेरे विचार में राजीव, ये सिर्फ तीन मैचेस हुए हैं, ये अर्ली डेज है। जैसे जैसे मैचेस और होते रहेंगे, विकेट्स में वेयर एंड टेयर और ज्यादा निकलेगा, तब हो सकता है कि टीम की स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिले। वहां पर अगर बॉल ज्यादा ग्रिप कर रही है तो टीम प्रेफर करेंगी पहले बल्लेबाजी करना, तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसे भी अगर आप देखेंगे जो तीनों मैचेस हुए हैं राजीव, पहला मैच अगर हम छोड़ दें तो दोनों जो मुकाबला हुआ है जहां पर रन चेज हुआ है बहुत ही डिफिकल्ट रन चेज था, उतना आसान नहीं था। और दोनों ही रन चेजेस में अगर आप देखेंगे तो दो क्रूशियल कैचेस छूटे हैं। अगर वो दो क्रूशियल कैचेस नहीं छूटते तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है कुछ और होता। वहां पर अक्षर पटेल का कैच छूट गया, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ओडियन स्मिथ का कैच छूटा अनुज रावत द्वारा जब पंजाब किंग्स रन चेज कर रहा था। तो एक जो सबक है कि अगर आप रन चेज में इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के अगर आप कैच पकड़ लेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है आपके फेवर में आए। पर उस समय ड्यू पड़ने लगता है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो एक जो स्ट्रेटजी हर एक टीम को अपनानी होगी अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो, कि आपको कम से कम 10 से 15 या फिर उससे ज्यादा रनों का बफर रखना पड़ेगा इसको, इन सब चीजों को नेगेट करने के लिए। सब भाई, एक सवाल है कसाट साहब का आपके लिए कि रविंद्र जडेजा को जो बॉडी लैंग्वेज था वो अप टू द मार्क नहीं था जब वो कप्तानी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही थी कि वो कप्तानी के लिए रेडी नहीं है, क्या थॉट्स हैं इसमें आपके? थोड़ा समय लगेगा, पहला मुकाबला है, बहुत जल्दी हमें बहुत कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। जडेजा को अनुभव है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, वो इसके पहले कप्तानी कर नहीं चुके, किया नहीं है उन्होंने किसी भी स्तर पर, तो उनको वक्त लगेगा और हमें वक्त देना होगा। क्योंकि एक ऐसा ये खिलाड़ी है जो मल्टी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है और एक प्रकार से ये इंडिस्पेंसिबल है हर एक फॉर्मेट में, भारत के लिए भी और इस समय सीएसके के लिए भी। और चूंकि मुझे लगता है कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं प्लेयर्स के साथ, उनका बोलचाल, जिस तरह से वो खिलाड़ी को मोटिवेट करते होंगे, इसी वजह से उनको कप्तान चुना गया है। उसके साथ साथ जो सपोर्ट स्टाफ है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वहाँ पे, स्टीफन फ्लेमिंग है, असिस्टेंट कोच राजीव राजा है, खुद MS धोनी है, इन सब चीजों को फायदा मिलेगा जडेजा को, थोड़ा हमें समय देना होगा। आया सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सजेशन है हरजैन का, उनका कहना है कि टॉस रोक देना चाहिए और 7 बार पहले एक टीम को बैटिंग दे और 7 बार बॉलिंग, यानी कि 14 मैचेस जो आईपीएल में खेलती है, तो इवन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। देखिए, काफी प्रपोजल्स आए किस तरह से ये टॉस का जो है इश्यू संभाल, इसको सॉर्ट आउट कर लें। अब तक कोई खास सफल नहीं हुई है कोई भी सजेशन। एक तो ये है कि आप, ये भी कहना था कि आप टॉस निकाल दीजिए, जैसे बायलैटरल सीरीज होती है तो एक मैच में एक जो टॉस जीत गया आप अज्यूम कर ले टॉस करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे मैच में दूसरा कैप्टन जीत गया टॉस। तो मेरे ख्याल से बिग बैश लीग में अगर आप देखें तो बैट के जरिए टॉस होता है, तो ये सब चीजें ट्राई की जा रही है। ओवरऑल तस्वीर ये है कि कंसिस्टेंटली एक तरफा रिजल्ट आते हैं, यानी कि आप टॉस जीतते हैं, फील्डिंग करते हैं और 95% ऑफ द टाइम्स आप मैच जीत जाते हैं,
तो फिर उसमें प्रॉब्लम जरूर है, और इसके लिए मेरे ख्याल से सबको दिमाग लगाना होगा, दिमाग चलाना होगा कि किस तरह से इसको इसमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन मैं जैसे सभा ने कहा, मेरे ख्याल से बहुत अर्ली डेज, जब तक 3 ही मैचेस हुए हैं और एक दो कैचेस लिए जाते तो अपसेट रिजल्ट्स हो सकते थे या अलग रिजल्ट्स हो सकते थे। तो थोड़ा समय देना होगा किस तरह से ये टूर्नामेंट खेला जाता है, पिचेस में वेयर एंड टेयर होती है, तो क्या रिजल्ट्स अलग आते हैं, अलग रिजल्ट्स आते हैं, ये सब देखना होगा। लेकिन ओवरऑल जो है मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे भी ये टॉस का जो मामला है ये रिजॉल्व अभी तक हुआ नहीं है। बहुत चर्चा होती है इसके बारे में, बहुत से लोगों की ओपिनियन आती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसपे एकजुट हो जावे सब के भाई यही सही है। सर एक सवाल आपके लिए आया हुआ है राजीव और रियाज, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रियाज, कि इंटरनेशनल स्पोर्ट में क्रिकेट ही एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर टॉस इतना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि और किसी भी स्पोर्ट में टॉस का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है ज्यादा, अंत में आपके स्किल के ऊपर निर्भर करता है। पर एक ही ऐसा स्पोर्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी आने वाले समय। बिल्कुल, और यही एक ऐसा विषय है जिसमें आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जब एमसीसी में चर्चा होगी, जब लॉस बनेंगे तो शायद टॉस में भी कुछ बातचीत हो। आया सर रविंद्र जडेजा पे एक सवाल आया, उस पर बातचीत कर लें फिर हम इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। उनका एक सवाल है कसाट साहब का कि कप्तानी देने का तो ठीक है, कह रहे उनको जो उनके लिए वरिंग फैक्टर है कि वो अपनी जो जडेजा का जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरह की क्रिकेट वो अपने लाइफ की बेस्ट फेज में जहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं वो डेंट ना हो जाए कप्तानी देने से। देखिए वो डेंजर तो है, अगर आप इतनी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं और बड़े बूट्स है, महेंद्र सिंह धोनी को आप रिप्लेस कर रहे हैं एज अ कैप्टन, तो प्रेशर तो उसका होगा ही और सबकी निगाहें आप पर ही होगी, ना सिर्फ एज अ कैप्टन लेकिन आप प्लेयर भी जो है किस तरह से आप अपने विकेट्स लेते हैं, रन बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये रविंद्र जडेजा को एक्सपेक्ट भी करना होगा। और कैप्टनसी जो है, देखिए कैप्टनसी ऐसा है कि जो प्लेयर्स उसको एंजॉय करता है वो उसमें सफल होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एंजॉय करता है, जो प्रेशर नहीं संभाल सकता है वो सफल कैप्टन नहीं बन सकता है, भले ही आपके पास अच्छे से अच्छे प्लेयर्स हो। अब मेरे ख्याल से जडेजा के लिए बहुत अर्ली है, एक मैच में हम जजमेंट नहीं पास कर सकते क्योंकि यू नो ऐसी मैच, और T20 अक्सर हमने देखा है कि उसमें अपसेट रिजल्ट्स आते हैं। तो पहली मैच मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 5-6-7 मैचेस के बाद ये पता चलेगा कि किस तरह से वो सेटल हुए कैप्टनसी के अंदर। सभा भाई तीन बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारियां हमने देखी है तीन मैचों में, ललित यादव और अक्षर पटेल के बीच में साझेदारी, फिर ओडियन स्मिथ और शाहरुख खान ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया, या हम उससे पहले जाएं जिस तरह से कोलकाता ने मैच जीता, कैसे आप देखते हैं जो हमेशा पार्टनरशिप की बात करते हैं और अगर दोनों एंड से मार पड़ रही हो तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कल का मैच हमने देखा, ऑडियन स्मिथ तो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम गेंद को तोड़ने और फोड़ने के मूड में उतरे हुए, जिस तरह से 6 गेंदों पे वो 24 रन बना गए। एक हार्ड हिटिंग प्लेयर है, उसी वजह से पंजाब किंग्स उनको खरीदा भी है, उनकी गेंदबाजी पे थोड़े सवाल अभी भी उठेंगे। पर अगर पंजाब किंग्स उनको एक 6 बोलिंग ऑप्शन के रूप में खिला रहा है और एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में, तो बहुत ही शानदार वो प्लेयर साबित हो सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए। पंजाब किंग्स एक हैवी टीम है इस साल, उनके ऑक्शन बाइज बहुत ज्यादा स्मार्ट रहे हैं, उन्होंने कई सारे जो बेसिस उनको कवर कर लिया है, उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग फिनिशर हैं शाहरुख खान और ओडियन स्मिथ, दोनों के पास वो मेच्योरिटी अब नजर आ रही है। तो ये एक डेंजरस साइड जरूर साबित हो सकती है आने वाले समय में आईपीएल में। उसके साथ साथ चलिए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने कोई बड़ा रन चेस था नहीं, तो वहां पर अगर छोटी छोटी भी साझेदारियां हों तब भी उसका फायदा आपको मिल जाता है, जो कि देखने को मिला। तो वहां पर कुछ प्रेशर नहीं रहता है बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने का। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही अहम था कि ये जो 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 सो कॉल्ड अननोन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बल्लेबाज के रूप में, वो परफॉर्म करना शुरू कर दें, और इसका लाभ मिला है इस बार दिल्ली कैपिटल्स को। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अब इस साल, पिछले साल भी नंबर 4 पर खेल रहे थे, इस साल भी उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम होगी दिल्ली कैपिटल्स को और आने वाले समय में। तो हाँ, दोनों तरफ से अगर रन बन रहे हैं, दोनों तरफ से अगर आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जो 140-150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। फिर आप 12-13 रन भी लास्ट के अंतिम के 3 या 4 ओवर में आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अगर एक खिलाड़ी हो तो मुश्किल हो जाता है, पर अगर आपके पास 2 खिलाड़ी वैसा हो तो फिर आपको आसानी हो जाती है मैचेस जीतने में। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दिल्ली और मुंबई की मैच थी उसमें मेरे लिए जो हाईलाइट थी और मेरे ख्याल से डिसाइसिव फैक्टर था, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को अटैक किया,
शार्दुल ठाकुर ने और अक्षर ने, के अक्सर माना जाता है कि अगर आपको रन डिफेंड करने हो मुंबई को अगर रन डिफेंड करने हो आखिर चार ओवर में अगर 40 रन भी चाहिए या 45 रन चाहिए तो बुमराह जो है उनके दो ओवर में रन नहीं देंगे और विकेट्स निकाल देंगे। लेकिन कल की मैच में जो हमने देखा कि अटैक जो है बुमराह तक लेके गए और क्लियर किया ग्राउंड पे, उनके सर के ऊपर से मारा, कवर के ऊपर से मारा, लॉफ्टेड शॉट्स खेले जो अक्सर देखा नहीं जाता है। और ये जो अगर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है अगर मुंबई इंडियंस के मेन बॉलर, मैं कहूंगा कि विश्व के मेन बॉलर व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके सामने इस तरह की बैटिंग हो तो एक तो सबकी तरफ एक सिग्नल जाता है जितने भी बल्लेबाज है आईपीएल में कि हम बुमराह के अगेंस्ट रन बना सकते हैं। और मुंबई इंडियंस ऑलरेडी अंदर जो प्रेशर में थी और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया और इसी वजह से मैच हार गई। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, भारतीय गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे जो इंडियन टीम के रेगुलर मेंबर्स हैं, लेकिन पहले तीन मैचों में लगभग सभी गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई, वो चाहे हम शार्दुल की बात कर लें, सिराज तो कल चार ओवर में 50 से ऊपर ज्यादा रन लुटा गए। क्या मुद्दा है, आखिर फ्लैट ट्रैक्स है या वाइट बॉल क्रिकेट में एक बार फिर इनोवेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पावर हिटिंग ज्यादा हो रही है, इस पर आगे बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh, fans point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three break of us. Break ke baad ek baar fir aapka swagat hai. Sabha bhai aur Riyaz bhai ke saath aap dekh rahe ho aur sun rahe ho Khel Niti. Sabha bhai, main abhi bowling analysis dekh raha tha aur thoda worrying factor ye hai ki India ke main bowlers jo hai unki bahut pitai hui hai. Wo chahe aap Mohammad Siraj to kal 4 over mein 59 run de gaye. शार्दुल ठाकुर 4 में 47 देते हैं, फिर जसप्रीत बुमराह जिनके बारे में अयाज सर भी बोल रहे थे बिल्कुल टूथलेस गेंदबाजी नजर आई उनके तरफ से, क्या रीजन आप देख रहे हैं हमारे मेन बॉलर्स की इस तरह से पिटाई हुई है? जो कहना बड़ा कठिन है पर नेचुरली ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं यहाँ पर, अगर आप लेंथ में थोड़ी बहुत आप गलती कर बैठे तो फिर अब जिस तरह के पावर स्ट्राइकर्स हैं, जिस तरह के पावर हिटर्स हैं इस बार आईपीएल में, उनके सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरिएशंस का भी फायदा उतना ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि विकेट्स जो हैं वो सपाट हैं इस समय। हर्षल पटेल को भी हम लोगों ने देखा, इसी वजह से मुझे लगता है कि चेतन सकारिया को दिल्ली कैपिटल्स ने खिलाया नहीं क्योंकि वो भी एक ऐसे बॉलर है जिनके पास वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अगर विकेट्स बैटिंग फ्रेंडली है, अगर ऑन द राइज आप खेल सकते हैं तो ज्यादा वेरिएशंस का भी फायदा मिलता नहीं है। तो एक बहुत ही कठिन यहाँ पर चैलेंज रहेगा सभी पेस बॉलर्स के लिए। देखने वाली बात यह है कि क्या वो यहाँ पर आने वाले मैचेस में, ये एक तरह से ओपनर रहता है, सभी खिलाड़ियों को मालूम हो जाता है पेस बॉलर्स को कौन से एंगल्स आपको बॉलिंग करनी चाहिए, कौन सा लेंथ आपके लिए ठीक होगा। यहाँ पर जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपको प्रिसाइज लेंथ प्रोवाइड करने के लिए, होमवर्क बहुत ज्यादा होने लगता है हर एक खिलाड़ी के सामने और फिर आप उस प्रकार से अपने लेंथ में परिवर्तन करते हैं या फिर एंगल्स में परिवर्तन करते हैं। तो कुछ उसी तरह की सोच के साथ आने वाले मैचेस में इंडियन पेस बॉलर्स को उतरना होगा। सर आप क्या कैसे देख रहे हैं, सिराज की जैसे कल पिटाई हुई, हर्षल एकमात्र ऐसे गेंदबाज अभी तक नजर आए जिन्होंने 4 में 36 दिया, नहीं सारे गेंदबाज जो भारत के लिए खेल रहे हैं सब 40 ऊपर रन, और सिराज 59 रन, बुमराह देते हैं आपके 47 रन 3 ओवर में, खाली 3.4 गेंदे फेंकी थी, शार्दुल ठाकुर 4 में 47, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से पिटाई हुई है इंडियन फास्ट बॉलर्स की? लेकिन मेरे ख्याल से तो ये इनके लिए बहुत तैयारी और बेहतर करनी होगी क्योंकि इस तरह से अगर पिचेस तो हम जानते हैं कि फ्लैट ही है मुंबई में, दोनों पिचेस वानखेड़े हो या ब्रेबॉर्न हो, पूना की पिच हो या नवी मुंबई की है, तो पिचेस में इतना बदलाव नहीं आएगा। आप क्या करोगे पिच को रीले, पूरी पिच को बदल तो नहीं दोगे, आप जो वेरिएंट हो रहा है उसी में आपको संभालना होगा। तो मेरे ख्याल से एक चीज हो रही है कि बल्लेबाज भी जो है वो और ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं और जैसे सभा ने कहा कि थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए लेंथ में, थोड़ा सा लेंथ अगर आपका अगर बिगड़ गया तो पूरा उसका फायदा उठाते हैं आजकल के बल्लेबाज। और यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी हद तक कोचेज ने और डेटा एनालिटिक्स जो करते हैं टीम्स के, उन्होंने मेहनत की है और बैट्समैन ये सब जो आप देख रहे हैं रन्स बने हैं ये इम्पैक्ट प्लेयर्स ने बनाए, ये ओडियन स्मिथ हो या शाहरुख खान हो या अक्षर पटेल भी जो हो वो इम्पैक्ट प्लेयर है, शार्दुल ठाकुर भी जो है वो इम्पैक्ट बैट्समैन है। तो ये सब अभी इनके रोल्स जो है वो समझ गए हैं और ऐसी चीजें इम्पैक्ट प्लेयर की कि आप अगर 10 बॉल में या 6 बॉल में 24 रन बना देते हैं तो फिर मैच विनर हो जाते हैं आप।
आपको 50 रन बनाने की जरूरत नहीं है, आप 24 रन बना दिए 6 गेंदों में तो आप मैच विनर हैं। और यही किरदार मेरे ख्याल से बहुत सी टीम्स और या सब टीम्स चाहती हैं अपने इंपैक्ट प्लेयर्स से। सवा भाई, एक तरफ जहां तेज गेंदबाजों की पिटाई हुई, वहां लेग स्पिनर्स या रिस्ट स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। शुरुआती मैचेस की अगर हम बात करें, कुलदीप यादव ने जिस तरह का स्पेल डाला, कल 4 ओवर में 18 रन दिया। फिर अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 में 14 रन देके 2 विकेट लिया। इसी तरह से अगर हम और बाकी मैचों पर नजर डालें, रिस्ट स्पिनर्स का, हालांकि मैदान बड़े छोटे हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं वानखेड़े हो या डीवाई पाटिल हो, रिस्ट स्पिनर्स का रोल आपको लग रहा है आने वाले टाइम में बढ़ेगा? और कुलदीप के लिए क्या ये आईपीएल एक ऑक्सीजन लेके आएगा? देखिए, रिस्ट स्पिनर्स हमेशा इफेक्टिव रहते हैं T20 मैचेस में, क्योंकि एक तो उनके पास कई सारे वेरिएशंस होते हैं, लेग स्पिन है, फ्लिपर है, वो गूगली है। उसके साथ साथ जनरली अगर आप देखें तो रिस्ट स्पिनर्स की जो स्ट्रेटजी होती है T20 के फॉर्मेट में, वो होती है अटैकिंग बॉलिंग और डिफेंसिव फील्डिंग, क्योंकि आपके पास कई सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं उनको कवर करने के लिए आपके पास फील्डर्स होते हैं, और आपको मालूम है कि प्लेयर्स जो हैं, जो बैटर है, वो आपके आपके पीछे जाएगा, आपको मारने का प्रयास करेगा, तो वहां पर चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उन इस प्रकार के स्पिनर्स के लिए। तो बहुत जरूरी है कि वहां पर भी आप सही लेंथ के साथ और सही स्पीड के साथ आप बॉलिंग करें। अब कुलदीप यादव ने कल वही किया, उन्होंने ऐसी गेंदें नहीं डाली जो रोहित शर्मा या फिर कायरन पोलार्ड या फिर ईशान किशन के रेंज में हो। थोड़ा बहुत शॉट डाला, थोड़ा बहुत गति दी, उसके साथ साथ टर्न भी कराने की कोशिश की, इसी वजह से उनको सफलता मिली। मुझे लगता है कुलदीप यादव को और अगर मौका मिलेगा तो डिसाइसिव जरूर साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, पर अभी भी अर्ली डेज है उनके लिए। पर जो कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने गेंदबाजी की, जिस समय पर आकर उन्होंने विकेट लिया, ये बहुत ही अच्छा संकेत है कुलदीप यादव के लिए। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो वापसी हुई है, वहां पर आकर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, तो वही कॉन्फिडेंस को अभी भी वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सवा भाई, आपने भी नोटिस किया होगा और मैंने जो ऑब्जर्व किया, थोड़ा तेज डाल रहे हैं, थोड़ा शोल्डर अपना यूज कर रहे हैं ताकि बैकफुट पे टाइम ना मिले। पहले बैट्समैन हम देखते थे वो आगे का बॉल भी पीछे जाके कुलदीप को अटैक करते थे, वो एक चीज नजारा नजर आई जो मैंने 4 ओवर उनके देखे हैं। क्या आप एग्री करते हैं शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा तेज डाल रहे हैं, और इसी वजह से रोहित और पोलार्ड बैकफुट पे आउट हुए दोनों बैट्समैन? हाँ, एक बहुत बड़ा कारण जरूर है कि कुलदीप यादव ने अब शोल्डर से, मुझे याद आता है शेन वॉन ने बहुत जमाने पहले एक अपने इंटरव्यू में कहा था, और शेन वॉन की यही बहुत बड़ी बात थी राजीव और रियाज की, वो चाहते थे जो नॉलेज है उनके पास उसको स्प्रेड करें, उसको बांटें, और उन्होंने कुछ भी छुपा के रखा नहीं है, सब कुछ उन्होंने सामने रख दिया है। तो उन्होंने बहुत साल पहले ये बात कही थी कि जब आप गेंदबाजी करते हैं, विशेष करके लेग स्पिन करते हैं, तो आप सिर्फ हाथ से नहीं करते हैं, पूरा शरीर आपका उसमें इन्वॉल्व रहता है, और हमेशा आपको प्रयास यही करना चाहिए कि जब आप गेंदबाजी करें तो हमेशा आप स्पिन अप करें, स्पिन डाउन नहीं करें। कहने का मतलब ये, अगर आप स्पिन डाउन करेंगे इसका मतलब है कि आपका शोल्डर झुक रहा है, तो अगर आप कोशिश करेंगे स्पिन अप करने के लिए, तो आपका जो 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 जो, जो शोल्डर की पोजीशन है वो सही रहती है, और फिर आप ज्यादा जोर लगाते हैं बॉडी से भी बॉल डालने के लिए। तो कुछ वही हो रहा है यहाँ पर कुलदीप यादव के साथ भी, जो कि अच्छी बात है उनके लिए। सर, आप कैसे देखते हैं अभी तक जो हमने 3 मैचेस देखे, जो हम आईपीएल फाइल्स की बात कर रहे हैं, स्पिनर्स को ज्यादा नंबर आप देंगे बनस्पत बैट्समैनों के, जिस तरह से अभी तक हमने देखा है कि डोमिनेंट रहे हैं बैट्समैन, बट रिस्ट स्पिनर्स ने अपना रोल अच्छे से निभाया? मेरे ख्याल से स्पिनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस आईपीएल में। अलग है, ऐसा लग रहा है कि सपाट पिचेस है, बाउंड्री छोटे हैं, तो स्पिनर्स की धुलाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनको इन दी एयर बीट कर सकते हैं, जिस तरह के वेरिएशन आपने बात की, कुलदीप ने डाली, थोड़ा सा ज्यादा शोल्डर डाला, पेस बढ़ाई, अगेंस्ट द ब्रेक अगर बैट्समैन खेलने जाते हैं तो गलतियां करेंगे, ये सब चीजें हैं मेरे ख्याल से हम देखेंगे। फिलहाल जो हमने देखा है कि डिफेंडिंग चैंपियंस पहला मैच हार गई है, 5-time विनर्स मुंबई वो पहला मैच हार गई है, और आरसीबी कल ऐसे लगा कि शायद बहुत ही अच्छा जबरदस्त विनिंग स्टार्ट करेगी, 200 से ज्यादा रन बनाए, वो टीम भी हार गई। तो ये बताता है कि ये कितना ओपन टूर्नामेंट होने वाला है, और इसमें बहुत अहम किरदार रहेगा मेरे ख्याल से गेंदबाजों का, और जिस टीम के पास रिस्ट स्पिनर्स मेरे ख्याल से सब टीम्स के पास है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो एक्चुअली उनके रिस्ट स्पिनर्स अगर विकेट्स निकालेंगे तो उनको एडवांटेज बड़ा मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पेस बॉलर्स इस टूर्नामेंट में उनके ऊपर काफी प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ द पिचेस एंड जो कंडीशन है। सवा भाई, जिस तरह का स्टार्ट पंजाब ने किया है, क्या एक डेंजरस साइड आप उसको मान रहे हैं? शिखर धवन और मयंक ने 7 ओवर में 70 रन कल बना दिए, और किसी भी बल्लेबाज से 50 रन का आंकड़ा नहीं छुआ, और टीम ने बहुत आसानी से 2-5 रन चेस कर लिए। स्ट्रॉन्ग बैटिंग है उनकी, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन राइट एट द टॉप है, उसके साथ राजा पाक्सा को वो ट्राई आउट कर रहे हैं इस समय नंबर 3 पर, जिन्होंने आकर धुआंधार पारी खेली। उनके पास
लिविंगस्टन भी है, उसके साथ साथ उनके पास दो और खिलाड़ी नीचे में है ऑडियंस में, शाहरुख खान। तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, हैवी बैटिंग लाइनअप है उनकी, गहराई बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ गेंदबाजी मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमजोर तो नहीं, एक डिसेंट गेंदबाजी है उनकी, और इसी वजह से उनके पास कई सारे ऑलराउंडर्स हैं। ऑडियन स्मिथ भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लिविंगस्टन भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उनके पास विकल्प कई सारे हैं। और अंत में देखने वाली बात ये होगी, ये एक फ्रेश पंजाब किंग्स की टीम है, और इस पर अनिल कुंबले और उनके स्काउट्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है इस टीम को बिल्ड करने में, और ऐसे प्लेयर्स चुने हैं जो अच्छे फॉर्म में है और जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी अनुभव हो। शाहरुख खान ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है डोमेस्टिक में, उनको फिर से उन्होंने वापस खरीदा है ऑक्शन में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है और बहुत ही डेंजरस साइड साबित होने वाली है। सर आप कैसे देखते हैं पंजाब के रनचेज ने, ऐसा लग रहा है बाकी टीमों को तो जगा दिया होगा और हिला भी दिया होगा जिस तरह से रनचेज हुआ है, बिना कोई अर्धशतक नहीं लगा टीम का, कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं, बट सबका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 140 150। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप जो बता रहे हैं, ये आंकड़ा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी ने 50 नहीं बनाया, लेकिन कंसिस्टेंसी देखे आप नंबर वन से लेकर नंबर 6-7 तक जो बैट्समैन आया है वो इसी कोशिश में, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट था आपको 10 रन पर ओवर बनाने हैं 20 ओवर में 200 से ज्यादा, तो आप दो ओवर भी अगर आप डिफेंसिवली खेल लेते तो आप मैच आ जाएंगे। तो थ्रू आउट नंबर वन से लेकर नंबर 6-7 तक जब स्मिथ और शाहरुख ने आके लगाए बड़े हिट्स, वो आपको टेम्पो मेंटेन करना था, और अगर आप वो टेम्पो मेंटेन कर सकते हैं जैसे पंजाब ने किया तो बाकी टीमों के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि ये टीम जो है बहुत ही मजबूत है, इनके पास ऐसे बैट्समैन है, मयंक अग्रवाल जो है, शिखर धवन जो है, शिखर धवन खास करके उनके पास बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है और वो मैच विनिंग बैट्समैन रह चुके हैं इंडिया के लिए, सब जानते हैं क्या उनका कैलिबर है। मयंक अग्रवाल भी जो है उनका रिकॉर्ड आईपीएल में बहुत ही बेहतरीन है। अब साथ में जुड़ जाते हैं प्लेयर्स लाइक ऑडियन स्मिथ और शाहरुख खान, तो ये बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप हो जाती है, इनको कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। मेरे ख्याल से ये इस टूर्नामेंट में काफी सरप्राइजेस देंगे पंजाब की टीम। और आया सर पहले तीन मैचों में विकेट कीपर्स बहुत चमके हैं और इसीलिए सभा भाई भी चमक रहे हैं धर्मकोट में। अगर आप देखें पहला मैच में धोनी रन बनाते हैं, फिर ईशान किशन बना देते हैं, फिर दिनेश कार्तिक बना देते हैं, फिर भानुका राजपक्षे बना देते हैं रन, ये ऐसा लग रहा है पहले तीन मैचों में तो सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर्स की बात होनी चाहिए। सभा विकेट कीपर सभा जो है वो बताएंगे आपको क्या हो रहा है, क्या थिंकिंग है। हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, नई बात तो है नहीं, लोग मानने से इनकार कर रहे थे पहले। टी ट्वेंटी में एक बात साफ है राजीव कि आपको मल्टी स्किल प्लेयर होना होगा, और जो जो जिनके पास वो मल्टी स्किल है उनकी वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मैच विनर साबित हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपने मेगा ऑक्शन में भी देखा होगा कि ऑलराउंडर्स पे बहुत ज्यादा लोगों ने बोली लगाई, ऑलराउंडर्स का महत्व बहुत ज्यादा होता है, अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर हो या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर हो, अगर आप विकेट कीपर बल्लेबाज हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये जो इनिशियल राउंड्स में जो मैचेस हुए हैं वो भी यही दर्शा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप मल्टी डायमेंशनल हो, और आजकल के जमाने में जितनी सारे नए नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनको भी मैंने यही नोटिस किया है कि अगर वो बैटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत वो बॉलिंग करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात है, सबको ये अहमियत जो है वो समझ में आ रही है इस समय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, आया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आईपीएल फाइल्स के पहले तीन पन्नों यानी पहले तीन मैचों पे बातचीत करने के लिए लगातार अपडेट्स हम आईपीएल के आपको देते रहेंगे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajeevMish मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, IVMPodcast.com पर, गाना, स्पोटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cider Says, Cider Says joined by Utsav Mamoria, host of Postcards from Nowhere, comedian Kajol Srinivasan and Antariksh, and This Cock and Bull. They examine everything from Sri Lanka cancelling exams due to paper and ink shortage to India's rank in the World Happiness Index. Let me tell you about a new show that I'm super excited about. It's called Ek Chuski Finance. It's a finance podcast made for women by financial expert Priyanka Acharya. She simplifies complex financial concepts in an easy-to-learn manner. To top it off, the show is available in 8, count them, 8 languages. Tune in every Tuesday for fresh episodes. On Paisa Vaisa, Anupam meets Sandeep Jethwani. Sandeep is the co-founder at Deserve. They talk about how Deserve is creating long-term portfolios for working professionals.
On All Things Policy, the Takshashila folk analyzed the findings of the PEW survey on gender roles in Indian society. On the Life Manifesto, Zarina reiterates how important it is for women to uplift other women and shares how they can go about doing so. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs explore the sixth sense in animals and humans and why it makes them extraordinary. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं, क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो, मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।